जय शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं आपलं आवडतं यूट्यूब चॅनल कृषी सेवक मध्ये। मित्रांनो, आज दिनांक 12 मे 2020 रोजी आपल्या देशातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य जनतेकरिता लॉकडाऊन 4 संदर्भात काही दिशानिर्देश दिलेले आहेत, सोबतच काही घोषणा केलेल्या आहेत, त्याबद्दल या भागामध्ये आपण जाणून घेऊया। मित्रांनो, पंतप्रधानांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केलेले आहे। निश्चितच त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा पण आहेत, काही योजना पण आहेत, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊया। ये आर्थिक पॅकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। शेतकरी मित्रांनो, मोदीजींनी आणखी एक घोषणा अशी केली की तुम्ही आत्मकेंद्रित बनू नका तर आत्मनिर्भर बना। ही शेतकऱ्याच्या दृष्टीने बाब पुढील प्रमाणे राहू शकते, म्हणजेच एखादा शेतकरी जर केवळ हंगामापुरता पीक उत्पादन घेत असेल तर हा झाला त्याचा आत्मकेंद्रितपणा, परंतु तो त्या हंगामातील पिकाच्या उत्पादनावर प्रोसेस करून त्याला वर्षभर कशा पद्धतीने मार्केटमध्ये आणेल, पेश करेल, हे झाला आत्मनिर्भरपणा। सोबतच त्याच्या शेतामध्ये काम करणारे जे मजूर वर्ग आहेत त्यांना पण वर्षभर कशा पद्धतीने रोजगार मिळेल, त्यांचा पण आत्मविश्वास वाढेल आणि ते स्वतःही आत्मनिर्भर होतील आणि शेतमालक पण आत्मनिर्भर होईल। याबाबत पुढील प्रमाणे जाणून घेऊया काही माहिती। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। सोबतच मित्रांनो, मोदीजींनी लोकलला ग्लोबल करण्याचे ठरविले आहे, म्हणजेच जर एखादा शेतकरी केवळ मिरची पिकाचं उत्पादन करून बाहेर विक्रीला पाठवत असेल तर तेवढ्यापुरता मर्यादित न राहता तुम्ही त्या मिरचीला प्रोसेस करा। प्रोसेस करून तुम्ही पावडर करू शकता किंवा त्याच्या मिरचीच्या ठेचा बनवू शकता, आणखी फ्रोझन फूड बनवून तुम्ही बनवून त्याला वर्षभर विक्रीसाठी पाठवू शकता। म्हणजेच तुमचा हा जो लोकल प्रोडक्ट होता त्याला तुम्हाला व्होकल करायचं आहे। व्होकल म्हणजे त्याची माहिती जनसामान्यापर्यंत पोहोचवायची आहे, तुमच्या लोकल सेक्टरपर्यंत पोहोचवायची आहे, सोबत त्याला ग्लोबल कशा पद्धतीने करता येईल यावर त्यांचा अधिकाधिक फोकस आहे। हा फक्त एक उदाहरणार्थ होता। तुम्ही या पद्धतीने बऱ्याच पिकांवर प्रोसेस करून ते लोकल पिकांचं जे प्रोडक्ट आहे तुम्ही त्याला ग्लोबल लेवलवर वाढवू शकता। जाणून घेऊया माहिती। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए
हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। मित्रांनो, मोदीजींनी देशाच्या एकूण GDP 10% रक्कम 20,00,000 कोटी रुपये सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी देण्याची घोषणा केलेली आहे। त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय काय घोषणा असतील, काय काय योजना असतील याचा प्रारूप आपल्याला 18 मे पूर्वी सांगण्याची त्यांनी घोषणा केलेली आहे, ते पाहूया या भागात। साथियो, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत